हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास बेटा। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, जो ऑर्गेनिक का अपना चैप्टर था फर्स्ट, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज योर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो अल्कोहल के बारे में देखते हैं बेटे। बट पहले बेटा मैंने ये लिखा आर एच, दैट इज ऑब्वियसली एल्केन। यदि बेटा ये एच मैं बाहर ले जाता हूं और इसकी जगह मैंने क्या लिया है, मैं ओ एच, तो सिंपली मैंने आपका क्या लिखा, जनरल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही बेटे यदि इस आर एच में एच हटा दिया, मैं बेटे ओ आर ले आया, तो ये जनरल फॉर्मूला किसका बन गया बेटे, बोलो इथर। एंड यदि मैं बेंजीन लेता हूं बेटा, बेंजीन का आप एच हटा दीजिए और वहां पर ओएच ले आइए, तो ये क्या बन गया बेटे, आपका फिनोल। तो दैट इज योर अल्कोहल, इथर एंड फिनोल। ओके बेटा, चलिए तो पहले हम करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, इसको हम शुरू करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटे। इलेवेंथ में जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, कुछ रिएक्शंस थी बेटा आपकी एल्किन्स में, वो आपकी यहां पर आएंगी। ठीक है, चलिए तो पहले हम बात करेंगे बेटे किसकी, क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है बेटे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या समझते हैं बेटे आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से, बताइए आप। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है बेटे जहां पर आपका एक ओएच ग्रुप प्रेजेंट हो। हेयर देयर इज प्रेजेंट वन ओएच ग्रुप इज प्रेजेंट, क्लियर है, बोलो। ठीक है, फर्दर हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ किसमें बेटे, प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में और बेटे टर्शरी अल्कोहल में। प्राइमरी अल्कोहल क्या बोलोगे बेटे, यहां पर जो ओएच ग्रुप है इट विल अटैच टू प्राइमरी कार्बन, हेयर सेकेंडरी कार्बन, हेयर टर्शरी कार्बन, समझ में आया बेटे। और ये हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन क्या होते हैं, आप सबको ध्यान होगा, बोलो। देखो यहां देखिए ध्यान से, प्राइमरी कार्बन ओवे जुड़ गया, प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज योर टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, समझ में आया बेटे। चलिए शाबाश, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चले नेक्स्ट बेटे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल की यदि हम बात करते हैं, देखिए बेटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी बेटे यहां पर आपके दो ओएच ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, और यहां पर एक खास पॉइंट आ गया बेटे, बेसिक पॉइंट है। क्या है यहां पर बेसिक पॉइंट आपका, इलेवेंथ में हमने डिस्कस किया था बेटे, क्या कि मोर देन, नोट कर लेना बेटा इसको, मोर देन वन ओएच ग्रुप कैन नॉट प्रेजेंट और अटैच एट सिंगल कार्बन एटम। एक कार्बन एटम पर एक से ज्यादा ओएच ग्रुप बेटे नहीं जुड़ सकते। ओके, वहां पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेक्स प्लेस टू फॉर्म, बोलो, एल्डिहाइड, है बेटा, कीटोन एंड शाबाश कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, जैसे यदि किसी क्वेश्चन के अंदर बेटे जुड़ भी जाता है दो ओएच ग्रुप, तो सिंपली क्या करना है आपको, रिमूवल ऑफ वाटर कर देना है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट में आता है बेटा, ध्यान रखना। जैसे एल्डिहाइड बना दिया हमने,
ये बेटे आपका नॉन टर्मिनल कार्बन था। ये कार्बन कैसा है? ये लीजिए, मैंने तीन कार्बन लिख दिए। तीन कार्बन में क्या है बेटे? टर्मिनल। ये क्या है? नॉन टर्मिनल। यहां से भी क्या करो, रिमूव ऑफ वाटर कर दो। ये क्या बनाएगा बेटा? कीटोन। ठीक है, यदि आपके टर्मिनल कार्बन पर तीन OH ग्रुप आ जाते हैं तो बेटा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। बिल्कुल सिंपल है बेटा। ठीक है, तो ये अपना बेसिक पॉइंट है बेटा, इसको नोट कर लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शाबाश, नोट करो, बढ़े आगे। चलिए, तो क्या समझ में आया बेटा कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल में जो OH ग्रुप हैं वो कितने हैं? दो हैं। दो है तो क्या बताया मैंने मेन पॉइंट? एक कार्बन पर नहीं होगा। ठीक है, यानी वन वन डाई ऑल क्या लिखेंगे? कैन नॉट एग्जिस्ट। क्लियर बेटा? वन टू डाई ऑल, और बेटे इसको अल्फा ग्लाइकोल बोल सकते हैं। वन थ्री डाई ऑल बीटा ग्लाइकोल बेटे, 1,4 डाइऑल गामा ग्लाइकोल, या बेटे मोर देन इधर इफ OH ग्रुप अटैच मिले आपको किसमें? एट टर्मिनल कार्बन। कहां बेटे? टर्मिनल कार्बन पर। इनसे ज्यादा यदि आपके कार्बन बीच में आते हैं तो क्या बोलोगे? ओमेगा ग्लाइकोल। जैसे बेटा देखो ध्यान से, सबसे सिंपल आपका ये है बेटे, इथेन 1,2 डाइऑल। क्लियर है? देन बेटा देखो किस एग्जांपल, अल्फा का, किसका एग्जांपल? बीटा का। समझ रहे हो या नहीं? ये किसका एग्जांपल बोलो? गामा का। आप जैसे मैंने ये लिख दिया बेटा, ये किसका एग्जांपल? ओमेगा का। बात समझ आई बेटे? एक और ध्यान देना बेटा, जैसे यहां जरूरी नहीं है कि सारे हर बार टर्मिनल पर हो, ये जरूरी नहीं बेटा। देखो मैं ये लिखता हूं, मैंने यहां OH लिख दिया, यहां OH लिख दिया बेटा, ये भी किसका एग्जांपल है बोलो? बीटा का। मैंने ये लिखा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये अल्फा का। ये 1,2 ये शो नहीं करता बेटे कि फर्स्ट और सेकंड या फर्स्ट और थर्ड, ऐसा कुछ नहीं है, साथ साथ हो, बस साथ साथ ही आते हैं तो अल्फा एडसेंट कार्बन पर। तो 1 और 2 या 1,3, 1,4 डज नॉट रिप्रेजेंट योर नंबर ऑफ कार्बन एटम, दैट्स अ मेन पॉइंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कर पाएंगे इसको बोलो? चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए शाबाश, ये मेन पॉइंट जो मैंने बताया नोट करना बेटे, ये 1, 2, 1, 3, 1, 4 डोंट रिप्रेजेंट योर नंबर ऑफ कार्बन एटम, मेन पॉइंट है बच्चों ये। ठीक है, चलिए फिर आते हैं बेटा हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपका क्या है बेटा? ग्लिसरॉल, दैट इज योर ग्लिसरॉल, इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल बेटे आपका। ठीक है, दिस इज ओके पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में क्या हो जाएगा बेटा? जो OH ग्रुप है वो ग्रेटर देन 3 आएंगे बेटे। ठीक है, जैसे बेटे ग्लूकोज है, ठीक है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये सारे कैसे बेटे आपके? फ्रुक्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है इसमें। हालांकि बेटा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी आ जाता है, ठीक है ना, दे ऑल्सो हैव एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप, पर एग्जाम्पल तो दे सकते हैं ना बेटे हम, बोलो। ऐसे एक सिंपल एग्जाम्पल लिखा मैंने ग्लूकोज का बेटे, ठीक है, ध्यान रखना OH की पोजीशन फिक्स है बेटा, ये
डिस्पोजिंग फिक्स, ये OH राइट हैंड साइड है तो क्या बोलते हैं इसको हम, डी ग्लूकोज। यदि ये OH लेफ्ट हैंड साइड होता तो क्या बोलते हैं आप इसको, एल ग्लूकोज। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बेटे बायो मॉलिक्यूल्स में। तो दैट्स ऑल अबाउट यूर डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ OH ग्रुप क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है बेटा, चले फिर स्पेशल केस आते हैं बेटे, कैसे एलाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन को क्या बोला जाता है, विनाइल कार्बन। अब ये कार्बन प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, या टर्शरी भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखा जाए बेटे। तो ये कैसी है, दैट इज योर, आई एम सॉरी बेटे, दिस इज योर एलाइल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको हम, एलाइल कार्बन। तो क्या बोलोगे, प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल बोलो। ठीक है, अब ये कार्बन बेटे आपका सेकेंडरी भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। अब यही कार्बन बेटे आपका टर्शरी भी हो सकता है, तो क्या बोलोगे, टर्शरी एलाइलिक एल्कोहल, इस चीज का ध्यान रखें। ओके, फिर आता है बेटा एक विनाइलिक एल्कोहल या विनाइल एल्कोहल, डबल बॉन्ड कार्बन जो है बेटा, इस कार्बन का नाम क्या था, विनाइल कार्बन। अब मेन पॉइंट, जो विनाइलिक एल्कोहल होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा फिर आ गया, हाईली अनस्टेबल, एडजस्ट नहीं करती नॉर्मली बेटे। ठीक है, क्या हो जाती इनमें, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। डिटेल में देखना है बेटे तो 11th में जो लेक्चर हमने रेडी कर रखे हैं कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म पर, वहां आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, देखो 1-3 माइग्रेशन था ना हाइड्रोजन का, बोलो 1-2-3, इस हाइड्रोजन कहां ले आओगे, थर्ड पर, ये बॉन्ड कहां जाएगा, यहां। बट ध्यान रखना ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये मैंने आपको वैसे बताया बेटे, कहीं इसको मैकेनिज्म मान लो तो किस में कन्वर्ट हो गया, 99.9% है बेटा ये। तो विनाइलिक एल्कोहल नॉर्मल कंडीशंस में एग्जिस्ट नहीं करती, इस पॉइंट का ध्यान रखें बेटे आप। बढ़े आगे बोलो, तो ये अब तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए ये कैसे थे, एलिफैटिक एल्कोहल के एग्जाम्पल थे बेटे। क्या थे, एलिफैटिक एल्कोहल। आपसे कोई पूछे एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल में क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगी बस। यदि मैं केस लू एरोमेटिक एल्कोहल का तो क्या होगा बेटे, बेंजीन की एंट्री मार लो, पर ध्यान क्या रखना है, OH ग्रुप बेंजीन पर अटैच ना हो, अदरवाइज वो फिनोल बन जाएगा, ध्यान रखना इसका बेटे। ये देखो स्पेशल केस, क्या क्या है स्पेशल केस बोलो, ये कार्बन क्या कहलाता है, बेंजाइल कार्बन, और मैंने यहां क्या जोड़ दिया, OH, क्या बन गया, बेंजाइलिक एल्कोहल। ओके, देखो सिंपलेस्ट बेंजाइल एल्कोहल, कार्बन आपके दो भी हो सकते हैं, जैसे ये कैसा है बेटे, प्राइमरी बेंजाइल एल्कोहल, ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी, देखो यहां भी कार्बन है, सेकेंडरी बेंजाइल एल्कोहल, ये कैसा है बेटे, टर्शरी बेंजाइल एल्कोहल, इस चीज का ध्यान रखें बेटा, क्लियर है। ऑल आर एरोमेटिक एल्कोहल मानेंगे, एरोमेटिक एल्कोहल क्यों मानेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बेंजीन रिंग। शाबाश, लिए नोट करो, बढ़ा जाए आगे बोलो। चलिए फिर हम आते हैं बेटे नेक्स्ट पॉइंट पर, क्लासिफिकेशन जो है आपका वो एक बार हम कर लेते हैं फिनोल का बेटे। ठीक है, चले
फिनोल। सिंपलेस्ट ये है बेटे आपका कि बेंजीन पर एक OH ग्रुप आ गया, आपने उसको नाम क्या दे दिया? फिनोल। ये OH ग्रुप आपके दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा बेटा, वो तो क्लियर है ना। जैसे अब दो है तो बेटा पोजीशन भी चेंज हो सकती है, बोलो। तो डेट इज योर ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। इस ऑर्थो वाले को क्या बोलते हो? कैटिकॉल। ओके, मेटा रिजोर्सिनॉल एंड OH यदि पैरा पर है हाइड्रोक्विनोन या खाली क्विनोल भी बोल सकते हो। तो ये क्लासिफिकेशन है बेटे आपके बच्चों। OH ग्रुप तीन हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं बेटा, वो इतनी हायर स्टडीज नहीं है, आप मेनली दो तक ही कर ले, वो बहुत है बेटे आपका। ठीक है, बढ़े आगे चले, बोलो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है मेरे प्यारे बच्चों इथर का। इथर याद कर लेते हैं बेटा एक बार। जनरल फॉर्मूला क्या है? आर ओ आर। ठीक है बेटा, ये मैंने डैश लिख दिया बेटा एक। तो फर्स्ट सिंपल इथर, मिक्स इथर या एलिफैटिक में और एरोमेटिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं एलिफैटिक की या और एलिफैटिक इथर, सेकंड है बेटे एरोमेटिक इथर। यहां पर क्या होगा बेटे एलिफैटिक में, ये R और जो ये R ग्रुप है ये आपका एलिफैटिक होगा। इनमें एनी वन और बोथ क्या हो जाएगी? एराइल ग्रुप हो जाएगा। देखें कैसे, देखो मैंने लिखा CH3O CH3, तो दोनों कैसे ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है, एलिफैटिक इथर। क्लियर हुआ बच्चों? एरोमेटिक में एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग तो आ जाएगी बेटे जी। देखो दोनों भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं है, दोनों भी आ सकती हैं। क्लियर है? इसको हम एक है तो इसको फिनोलिक इथर भी बोला जाता है। यदि एक आ जाए तो फिनोलिक इथर बोल सकते हो, दोनों आ जाए तो डाई एराइल इथर भी बोल सकते हैं। बोलो बेटे क्लियर हुआ एलिफैटिक में और एरोमेटिक में? बोलो। फिर बात करते हैं सिंपल इथर की, और इसको बोला जाता है बेटे सिमिट्रिकल इथर भी बोल सकते हैं। कौन है ये? जहां पर ये दोनों आर ग्रुप सेम है, क्या है? सेम है बेटे। ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम। बेटा यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं R एंड R डैश क्या हो? एलिफैटिक। दैट इज सेम एल्काइल ग्रुप। क्लियर हुआ बच्चों? कैसे बेटे? मैंने लिखा ये, मैंने लिख दिया ये भी, दोनों सेम, तो ये किस एग्जांपल है? सिंपल इथर का। ये भी किसका एग्जांपल है? सिंपल का। वैसे किसका है? एलिफैटिक का। ये किसका है? एरोमेटिक का। ठीक है बेटा, तो ये देखो ये सिंपल भी कहलाया, ये एरोमेटिक भी कहलाया, ये डाइएराइल भी कहलाया, तो काफी सारे क्लासिफिकेशन है बेटा। ठीक है ना, सिंपल की जगह मैंने लिखा बेटा मिक्स्ड इथर, और क्या लिख सकते हैं? अनसिमेट्रिकल इथर। यहां पर जो ये R और R डैश क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ये सेम नहीं होंगे बेटा। क्लियर है ना? CH3O C2H5। अभी जैसे ये लिखा था हमने, अलग 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 अलग। बोलो आया बेटा समझ में? नोट कीजिए, शाबाश। बढ़े आगे, बोलो चलिए।
इस तरह बेटे हमने क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं इनके नॉमनक्लेचर पर। एक बार नॉमनक्लेचर करा देता हूं बेटे, वैसे तो 11th में डिटेल में हमने कर ही लिया बच्चों, ठीक है। नॉमनक्लेचर, अल्कोहल में बेटे, अल्कोहल में ऑल जो है ध्यान रखना, इट विल बी यूज्ड एज ए सफिक्स, ठीक है बेटा। और क्या रखोगे, गिव स्मॉल नंबर टू OH ग्रुप। आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से OH को छोटा नंबर मिले, ध्यान रखो बेटे इस चीज को, ठीक है। एक बात और, क्या ड्रॉप लास्ट ई ऑफ एल्केन, एल्केन एंड एल्काइन, ये जो ई है ये आप ड्रॉप कर देंगे, ये नहीं लिखनी। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, मैंने इसका नाम लिखना है, बिल्कुल सिंपल उठाया। आप यहां से नंबरिंग करते हैं तो इसको वन रखेंगे, इसको टू रखेंगे, यहां से करते तो वन टू थ्री मिलता, थ्री गलत है, टू ठीक है, छोटा नंबर देना है। लिखेंगे कैसे, ब्यूट चार कार्बन प्लस एन, इसकी पोजिशन लिखेंगे कौन से कार्बन पर, टू ऑल, इस ई को हटा दो। क्यों हटाएंगे बोलो, जब आपका सफिक्स किससे स्टार्ट हो, ए ई आई ओ यू वॉल से यदि स्टार्ट होता है तो बेटे आप लास्ट ई रिमूव करेंगे, बोलो क्लियर है। तो सिंपली हम क्या नाम रख देंगे बेटे, ब्यूटेन टू ऑल, लास्ट ई ड्रॉप कर दें, क्लियर है। पर एक चीज का ध्यान रखें बच्चों, यदि इसका नाम लिखना पड़ जाता है तो नंबरिंग कहीं से कर लो, टू थ्री, तो बेटा ब्यूटेन टू थ्री डाई ऑल। देखो ई मैंने नहीं हटाया, क्यों, अब किससे स्टार्ट है, डी से स्टार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर हुआ। ओ से स्टार्ट तो ई हटा दिया, डी से स्टार्ट तो नहीं हटाया, बिल्कुल आसान है। यदि फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है, क्या कह रहा हूं बेटे मैं, यदि फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है तो जैसे देखिए इसमें मैंने सारा केस ले लिया, प्रैक्टिस करो बेटे, कोई भी डाउट मेरे से पूछ लेना। फिर नंबरिंग यहां से करेंगे, क्यों यहां से करेंगे, तो इसको दो नंबर मिला, बस यहां से देखना ही नहीं, अब टू थ्री फोर फाइव क्या होगा, छह आया, हैग्स फाइव इन टू ऑल, फोर पर क्या है, मिथाइल, कहां जाएगा आगे, क्यों आएगा, प्रीफिक्स है बेटा जी, ये क्या है बच्चों, इसको क्या यूज करते हो, प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब चिपक जाना, वर्ड रूट से जो पहले लग जाता है उसको क्या बोलोगे, प्रीफिक्स बोलोगे, बस ये ध्यान रखना। बोलो कोई डाउट हो तो किसी को भी, बढ़े आगे। तो इस तरह बेटे आप एल्कोहल का आईपीएससी नॉमनक्लेचर कर सकते हो। कॉमन नेम का बेटे कोई रूल नहीं है, जैसे बेटे CH3OH को हमने बोल दिया मिथाइल एल्कोहल, C2H5OH को बोल दिया इथाइल एल्कोहल, ठीक है। देखिए कैसे कह रहा हूं, ये समझ में आ गया बेटे आपको, आईपीएससी की तो बेटे बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं हम 11th क्लास में। जैसे CH3OH क्या बोलोगे, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। C2H5OH को क्या बोलोगे, इथाइल एल्कोहल, इसको क्या बोलोगे, N प्रोपाइल एल्कोहल, N का मतलब नॉर्मल लास्ट कार्बन पर है बेटे आपका। ऐसे ही यदि ये OH यहां होता तो क्या बोलते, बोलो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, इस ग्रुप का नाम आइसो है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, क्या नाम है इसका, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है।
ये ग्रुप क्या हो गया आइसोप्रोपाइल, यहां मैंने क्या लगा दिया OH, क्या बन गया आइसोप्रोपाइल एंड एल्कोहल। ऐसे ही यदि इसका लिखना पड़ जाए क्या लिखोगे एन ब्यूटाइल एल्कोहल, यदि बेटे आपको इसका लिखना पड़ जाए क्या लिखोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो कॉमन नेम का बेटे कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना, जैसे जिस तरह बेटा आईपीएससी नेम के रूल थे आपके। अच्छा देखो यहां ध्यान देना एक बार, मैंने लिखा सी एस थ्री, अब ये देखो एक बार ये आइसो ग्रुप है, बोलो तीन कार्बन है, टोटल कितने कार्बन चार, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। अब इसका नाम क्या है बता सकते हो बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये आपके बेटे जनरली रिएक्शन में काम आएंगे बेटे, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है ना, शाबाश, चलो नोट करो। एटलीस्ट बेटे ये तो कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। एक और जो आ जाता बेटे कई बार, नियो पेंटाइल एल्कोहल, क्या बोलते हैं नियो पेंटाइल एल्कोहल, बोलो बड़ा जाए आगे, कोई डाउट हो तो बताओ, चले शाबाश। ओके बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटे, देखते हैं बेटे क्या है आगे। चलिए बेटा, अच्छा बेटा एक और दे रखा है इन्होंने, जैसे ये बता देता हूं मैं, कार्बिनोल सिस्टम है बेटा, इसको हम कार्बिनोल भी बोल देते हैं, ठीक है। यदि CH3CH2OH तो मिथाइल कार्बिनोल बोल देते हैं, दो CH3 आ जाए तो डाई मिथाइल कार्बिनोल, मिथाइल कार्बिनोल, ये खाली कार्बिनोल। तो बेटा ये अभी इतना यूज नहीं होता, मेन तो कौन सा आपका आईपीएससी है, उसी के ऊपर आपको फोकस रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। चले आगे, फिनोल के बेटे बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है बेटे, ओ एच क्या लिखेंगे बेंजीन 1,2-diol, बस बेटे थर्ड पर है तो बेंजीन 1,3-diol, फोर पर आ जाए तो बेंजीन 1,4-diol, क्लियर है बोलो, कोई डाउट किसी को बेटा, तीन आ जाए ठीक है क्या होगा 1,2,4, ठीक है क्या लिखेंगे बेंजीन 1,2,4-triol। ओके अच्छा बच्चों एक और करें, देखना एक बार OH, OH और OH, क्या ये और ये सेम है, ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बताओ कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अब 1,2,3,4 दोनों सेम है बेटा, क्लियर हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है नोमेनक्लेचर करते वक्त। ओके बस फिनोल का इतना ही बेटे, कोई ज्यादा नहीं, ठीक है। इथर का मैं एक बार समझा देता हूं आपको, चलो इथर देखो एक बार बेटे, एल्कोक्सी वर्ड है आपका, प्रीफिक्स यूज किया जाएगा इथर में, ये है आपका खास पॉइंट, ठीक। ये ए एल के एल क्या शो करेगा बोलो, नंबर ऑफ कार्बन एटम, देखो ये लिया मैंने सिमेट्रिकल इथर का केस, एक पार्ट को मानना है मेन, दूसरे को मानना है क्या बोलो प्रीफिक्स। बेटा एक कार्बन इसको मान लिया मैंने मेन, इसको मान लिया मैंने प्रीफिक्स, एक कार्बन के लिए मेन क्या लिखेंगे शाबाश बोलते जाओ, इलेवेंथ में कर चुके हो मिथेन, अब इसके लिए
ए एल के नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, वन, मिथ प्लस ऑक्सी, क्या होगा इसका नाम, मिथॉक्सी मिथेन। बिल्कुल आसान है बेटा, ठीक है। मान लो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाता है, क्या लिखोगे, यहां एक कार्बन, यहां दो कार्बन, इसीलिए इसको मेन और इसको प्रीफिक्स। मेन है तो क्या लिखोगे, इथेन, मिथ प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी इथेन। बोलो ध्यान से, अब यदि तीन कार्बन आते हैं बेटा, नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब वन टू थ्री, वन पर है ये मिथॉक्सी, वन मिथॉक्सी प्रोपेन, इस चीज का ध्यान से ओके देखना एक बार। ये ले लिया मैंने, बताओ वन टू थ्री, टू पर है ये मिथ प्लस ऑक्सी, तो क्या नाम रखेंगे, टू मिथॉक्सी प्रोपेन। आया क्या समझ में, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटे, बात एक ही है, कहीं कंफ्यूजन में आ जाओ कहीं, ये और ये दोनों सेम है, बोलो कोई डाउट हो। अब एक पॉइंट पर आ जाओ, क्या ध्यान से समझना, अब इसको मुझे लिखना है इसका नाम, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो यहां ज्यादा है, पर बेटा जी ये प्रीफिक्स है, बस ये ध्यान रखना इधर, ये आपका मेन है, क्यों, ड्यू टू डबल बॉन्ड, दैट्स द पॉइंट हियर, पॉइंट मस्ट बी नोटेड बेटे। क्या लिखेंगे अब, प्रोपोक्सी एंड इथीन। तो इथर का जब आप नोमेनक्लेचर करें तो उस पॉइंट को ध्यान रखें, सिंपल है तो जो बड़ा है उसको लेंगे। बोलो बेटे, चले करो शाबाश। ओके चलिए, अच्छा एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटे, शाबाश, मुश्किल नहीं है, क्या नाम रखेंगे, बोलो। आप ये करेंगे, ये क्या है प्रीफिक्स और ये क्या है मेन, तो क्या नाम रखा है, बोलो बेटे, इथॉक्सी प्रोपेन, और कौन से कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर, तो मैंने क्या लिख दिया, वन इथॉक्सी प्रोपेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखना इसको मैं क्या चेंज कर रहा हूं, अब बिल्कुल ऐसे ही लिखा हमने, ये लो बेटे, और मैंने यहां से यस्त्री कर दिया। अब आप कहेंगे सर इधर भी तीन कार्बन, इधर भी तीन कार्बन, अब क्या करें, किसको मेन माने किसको सब्स्टिट्यूएंट्स, बेटे जी इसी को मेन मानना है, मैं इसका रीजन देता हूं, वही लिखो पहले तो प्रोपेन, ठीक है। अब बेटा सीएस3 बोल जाओ, अब प्रीफिक्स के अंदर भी प्रीफिक्स आ गया, ठीक है, क्या है मिथाइल, क्या लिखूंगा मैं, बोलो वन ओके मिथाइल इथॉक्सी, वन मिथाइल इथॉक्सी प्रोपेन। देखो ये सारा जुड़ा किससे, प्रोपेन से, पर मिथाइल किससे जुड़ा, इथॉक्सी से, तो ब्रैकेट में जरूर बंद कर लेना है, वन मिथाइल, देखो ये क्या था, बोलो ये रहा इथॉक्सी था ना, इसके पहले कार्बन पर मैंने क्या जोड़ दिया, बोलो बेटा CH3, यहां से मत करना वन टू, यहीं से ऑक्सीजन के डायरेक्ट वन टू वन ओके। ये वन क्या शो कर रहा है, ये कार्बन, क्लियर बच्चों, ये ध्यान रखना बेटा इस चीज को, ये वन तो ये शो कर रहा है बेटा, दिस इज, ये सारा प्रोपेन के फर्स्ट कार्बन पर है, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल इथॉक्सी प्रोपेन, डन ओके, नोमेनक्लेचर क्लियर, चलो आगे बढ़ो। आगे है बेटे आइसोमेरिज्म की बात कर ले एक बार,
आइसोमेरिज्म बेटे, चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है बेटा। चेन आइसोमेरिज्म तो ऐसी, ये तो बेटा हर किसी में हो सकती है। बोलो क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म, याद है? जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग हो दो आइसोमर के पास, तो क्या बोलते हो? चेन आइसोमर्स बोलते हो उसको, ठीक है बेटा। ये इथर में भी हो सकता है बच्चों, देखिए ये आ गए, यहां मेन चेन चार की, यहां मेन चेन तीन की, तो इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। पोजिशन आइसोमेरिज्म हो सकती है बेटा, कैसे बच्चों? ये लो प्रोपेन वन ऑल, प्रोपेन टू ऑल, OH ग्रुप की क्या होगी पोजिशन चेंज, ऐसे ही क्या यहां हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। CH3 या मैं ऐसे कर दूं बेटा, ये देखो पोजिशन चेंज कर दिया हमने, क्लियर। चलिए मेटामेरिज्म, ये एल्कोहल में तो नहीं होती, इथर में होती है बेटा। याद है आपको मेटामेरिज्म, जब आप दो आइसोमर को कंपेयर करो, इसका लेफ्ट इसका लेफ्ट, इसका राइट इसका राइट, ये क्या हो? डिफरेंट हो कोई भी एक पेयर बेटा, तो उसको क्या बोल सकते हम? मेटामेरिज्म। बोलो ठीक है। लास्ट बेटे मेन, अब आ जाओ फंक्शनल आइसोमेरिज्म पर। एल्कोहल एंड इथर बेटे जी, ये एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, डिटेल से कर चुके इसको भी। जैसे देखो ये रहे बेटे एल्कोहल इथर, मल्टीपल फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, तो क्या हो गया? फंक्शनल आइसोमर्स। बोलो कोई डाउट किसी को? बढ़े आगे है बेटा, नोट करो शाबाशी इसको। चलो लास्ट अब बेटे आज का है, क्या करें इसमें? स्ट्रक्चर और कर लेते बेटा, ठीक है। देखिए बेटा स्ट्रक्चर, बेटा देखो आप लेंगे वाटर को, यदि आप किसी भी टेट्राहेड्रल को देखते हैं, जैसे मैंने CH4 को बनाया, कौन सा कार्बन बेटे यहां पर? sp3, ठीक है। ध्यान से देखना, बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट बेटे। यहां मैं नाइट्रोजन को ले लेता हूं, यहां भी हाइब्रिडेशन sp3 है, बट बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 107 डिग्री है बेटे, कम हो गया। बोलो ठीक है, क्यों कम हो गया बेटे? यहां कौन आ गया? लोन पेयर। और लोन पेयर कैसा होता है? बदमाश होता है बेटे, इसको कोई भी काम नहीं, कभी इसको टक्कर मारेगा कभी इसको टक्कर मारेगा, तो ये बॉन्ड पेयर नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आ गए तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, बस ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूं वाटर, है बेटा यहां पर बॉन्ड एंगल और घट गया 104 डिग्री, क्यों? वहां पर क्या आ गए? दो लोन पेयर आ गए, इसके इसके बीच में रिपल्शन होगी, फिर ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? और नजदीक आ जाएंगे। तो यानी बेटे यहां मैंने क्या देखा कि बॉन्ड एंगल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। इलेवेंथ में केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल से आप पढ़ चुके हो बेटा, ये आप सुनो, आ जाओ यही लिख रहा हूं देखो, ठीक है। CH3OH इसके शेप का नाम क्या था?
टेट्राहेड्रल ये क्या था बोलो, पिरामिडल ये क्या थी बेटे, वी शेप बोल लो, या बेटे आप इसको बेंट शेप भी बोल सकते हो। तो हम इसको बेंट शेप ही बोलेंगे बेटा, क्लियर है ना, बोलो। बिल्कुल आसान है बेटा, ऐसे किया, देखना मैं क्या कर रहा हूं अब, ठीक है। अब एक कॉमन चीज है क्या, सभी के पास क्या है, लॉन पेयर, ठीक। किस किस के पास की बात कर रहा हूं मैं, अल्कोहल, फिनॉल और बेटा इथर। यदि मैं यहां पर सी एस थ्री लिखता हूं, सी एस थ्री ओ एच, यहां लिखा मैंने बेंजीन ओ एच, यहां सी एस थ्री सी एस थ्री, तो सभी के अंदर बेटे हाइब्रिडेशन सेम है। हाइब्रिडेशन क्या होगी, एसपी थ्री ऑक्सीजन के अंदर। शेप क्या होगी, वी शेप। इस चीज का ध्यान रखें बेटा, क्लियर है। बट पॉइंट इज व्हाट, बॉन्ड एंगल। यदि आप एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल आप देखो बेटे, लेट मी सी इन बुक, अल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल है बच्चों वो दे रखा है बेटा आपका 108 डिग्री 9 मिनट, ठीक है, और 108.9 डिग्री बेटा, ठीक है, और यहां है बेटा 109 मिनट, और बेटा इथर में है 111.7 डिग्री, 109 डिग्री 111 पॉइंट, देखो ना इंक्रीज हुआ बेटे। वाटर में कितना था 104, या देखो 108, क्यों बढ़ गया, सी एस थ्री ग्रुप बड़ा ग्रुप आ गया, इसने भी बेटे अपना डोमिनेंस दिखाई भाई, तो इसने इस लॉन पेयर को ही रिपेल कर दिया, तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। यहां बेटे और बड़ा ग्रुप आ गया, इसने भी इसको इन दोनों को रिपेल कर दिया, यहां दो बड़े ग्रुप आ गए देखो, तो और लॉन पेयर को वापस धका दिया, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ बेटा, इस चीज का ध्यान रखा जाए। तो बॉन्ड एंगल आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाटर में तो है 104 डिग्री और अल्कोहल में 108 डिग्री, ऐसा क्यों है, लॉन पेयर वहां भी दो, लॉन पेयर यहां भी दो, क्या जवाब दोगे, ड्यू टू द लार्जर सी एस थ्री ग्रुप। फिनॉल में क्यों बढ़ गया थोड़ा सा, और बल्कि ग्रुप आ गया, कौन, बेंजीन। इथर में और बढ़ गया, क्यों, दो बल्कि ग्रुप आ गए जिन्होंने आपस में ही एक दूसरे को रिपेल कर दिया बेटे और लॉन पेयर को वापस धका दिया। बोलो क्लियर है, आया समझ में कुछ है? यदि एक बार मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं, बस ये बताओ किसका ज्यादा होगा, अल्कोहल का या बेटे फिनॉल का, बेटा बोलो। यदि आप देखें वैल्यू में दिखा रहा हूं बेटे, ये लिखा हुआ है 1.7D और फिनॉल का है बेटे 1.54D। व्हाई इज दिस वैल्यू, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में बेटे, वहां भी मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, क्या ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहां पर बेटे ये होता है डाइपोल, ठीक है ना। अब सुनो, इसके जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं ये इन्वॉल्व हो जाते हैं रेजोनेंस में, उससे क्या हो गया बेटे, यहां कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर। डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, क्यू इन टू डी, डिस्टेंस क्या हो गई, डिक्रीज, ये वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ध्यान क्या रखा जाएगा, अल्कोहल, हां जी बेटे बोलो, अल्कोहल हैव हायर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट देन फिनॉल। बोले कोई डाउट हो तो, माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक बेटे। अब एनसीईआरटी से जितने भी आपके क्लासिफिकेशन के नॉमनक्लेचर क्वेश्चन हैं वो आप सारे करेंगे आज, ओके बेटा। कल हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो तब तक मेहनत कीजिए खूब मजे से, ओके बेटा,
थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।